हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं तमिल के सुपरस्टार सूर्या की आने वाली फिल्म जय भीम के बारे में, जिसके ट्रेलर को एमेजॉन प्राइम ने आज रिलीज किया है। वैसे तो यह ट्रेलर तमिल लैंग्वेज में आया है, लेकिन ट्रेलर को देखकर हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म की कहानी क्या होने वाली है या फिल्म की कहानी का प्लॉट क्या है। फिल्म जय भीम को बनाया है टीजे गणनवेल ने, जो कि सामाजिक बिंदुओं पर बनने वाली फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, और उनकी कुछ फिल्में बहुत सफल भी रही है। वैसे पिछले कुछ समय से तमिल सिनेमा ने भी ऐसे टॉपिक्स पे फिल्म बनाई है जो वैचारिक रूप से बहुत मजबूत हो और समाज के निचले तबके या सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित है, और वह फिल्में सफल भी रही है, जिनमें काला, सरपटा ये पिछले कुछ वक्त से आने वाली रिलीज होने वाली फिल्में हैं। बात करें इस जय भीम की कहानी के बारे में, तो ट्रेलर से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म की कहानी मैक्सिमम लीगल ड्रामा है, या यूं कहिए कि कोर्ट रूम ड्रामा है। और फिल्म की कहानी के प्लॉट में मुख्य रूप से दिखाया गया है दलित समाज को, वो दलित समाज जिन पर अत्याचार किए जाते हैं। फिल्म के ट्रेलर से यह अंदाजा लगता है कि फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री है, और उस मर्डर मिस्ट्री के इल्जाम में दलित समाज के किसी इंसान को फंसाया जाता है, और जब उसको गिरफ्तारी के बाद वह गायब हो जाता है, तब उस फिल्म के अंदर कहानी में चेंजेस आने शुरू होते हैं। सूर्या के साथ दलित समाज की एक औरत नजर आ रही है, जो कि प्रेग्नेंट भी है, साथ ही उसके एक लड़की भी है। सूर्या के अलावा फिल्म के अंदर ट्रेलर में आपको नजर आएंगे प्रकाश राज, जो कि एक अहम भूमिका में है पुलिस ऑफिसर की। तो कुल मिलाकर यह फिल्म एक सोशल बिंदु, सोशल टॉपिक पर बनाई गई फिल्म है, जिसके अंदर दलित समाज पर होने वाले अत्याचारों को दिखाया गया है, और उन दलित समाज के सपोर्ट के लिए, या यूं कहिए कि उस दलित औरत को न्याय दिलाने के लिए बुलंद आवाज उठाते हैं फिल्म के प्रमुख कैरेक्टर सूर्या, जो कि एक वकील के रोल में है, और वह उस औरत को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। और यही इस फिल्म का इर्द गिर्द कहिए, या यही इस फिल्म की मेन स्टोरी लाइन है। फिल्म का ट्रेलर अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा देखने के शौकीन हैं तो आपको जरूर पसंद आएगा, क्योंकि इसमें आप तमिल सुपरस्टार सूर्या को एक रियलिस्टिक कैरेक्टर और एक सोशल कैरेक्टर के रूप में देखेंगे। बॉलीवुड में इस टाइप की फिल्में बनाने के लिए डायरेक्टर प्रकाश झा को जाना जाता है, जिन्होंने बॉलीवुड ऑडियंस के लिए आरक्षण, सत्याग्रह और चक्रव्यूह जैसी फिल्में बनाई हैं। इन सभी फिल्मों में भी कहीं ना कहीं दलित समाज पर होने वाले अत्याचार और दलित समाज की समस्या को दिखाया गया है, और फिल्म जय भीम भी इसी मुख्य प्लॉट के साथ ऑडियंस के सामने आने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि सूर्या का यह रूप ऑडियंस को पसंद आएगा, और सोशल इश्यू पे बनी यह फिल्म एक सफल फिल्म साबित होगी। तो यह थी बात आज रिलीज होने वाले ट्रेलर जय भीम के रिव्यूज के बारे में। जल्दी मिलेंगे नई किसी टॉपिक या बात के साथ, तब तक के लिए मैं आपका दोस्त निखिल आप सबसे विदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।